वेलकम बैक नाजीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज लाउंज। और बात हो रही थी लेट गो करने पे, तो वो तो हम डॉक्टर मोइज से पूछेंगे कि लेट गो आखिर करना कैसे, लेकिन जो आज हमारे मेहमान हैं पहले उनसे ही बात करें। वो बेचारे हम लोगों में जो उनसे बात नहीं कर सकते थी सारी सारी जी। तो पहले तो मोहम्मद हारिस साहब, आप हैं ऑपरेशन एंड प्लानिंग एग्जीक्यूटिव, तो आपके पास कस्टमर सर्विस में भी आप डील करते होंगे लोगों के साथ, राइट? एक तो होता है कि इंसान बाय चॉइस कोई काम करे, कि उसके पास चॉइस है कि वो गुस्सा करे या ना करे, और एक होता है कि वो बॉन्ड होता है अपने मुंह पे स्माइल रखने के लिए। तो उस चीज़ को आप किस तरह करते हैं डील, और जब लोगों पर गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? मैं एक्चुअली बॉन्ड ही होता हूँ, क्योंकि मुझे कस्टमर को स्माइल ही देनी होती है। हाँ, तो कैसे करते हैं ये बताएं ना, राज की बात। ये मुझे अपने ऊपर कंट्रोल है, गुस्से के ऊपर, कि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं कस्टमर को स्माइल देता हूँ, और जो उनका काम होता है वो मैं उनको करके दे देता हूँ। चले वो तो कर देते हैं, ताकि कस्टमर मुझसे खुश हो और नेक्स्ट टाइम फिर से मेरे पास आए। ठीक है, समझ गई बात। लेकिन फिर भी करते किस तरह है, मतलब मुझे अगर गुस्सा आए तो मेरे लिए स्माइल रखना तो दूर, मुझे तो अपनी एक जगह सर रखना ही बड़ा मुश्किल होता है। आई एम जस्ट पॉपिंग आउट। ये नेचुरली मेरे अंदर है कि मैं गुस्से को कंट्रोल कर लेता हूँ, खुद से कंट्रोल कर लेते हैं, वो कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। नहीं, मेरी आदत है गुस्से के अंदर मैं खामोश हो जाता हूँ। खामोश हो जाता हूँ, ये मेरी आदत है। तो कोई ना कोई रिएक्शन निकलता है, और एक होता है कि खामोश हो जाता हूँ। अच्छा, और मुझे बताओ, कभी किसी पे ऐसा गुस्सा है कि दिल चाहे कभी इसको पंच मारूं जाके इसका सर फाड़ दूं? दिल तो करता है गुस्सा जब आता है, लेकिन वही मेरी आदत के मैं खामोश हो जाता हूं। यानी आप एक्सप्रेशन शो नहीं करते? एक्सप्रेशन मेरे नहीं होते, और मैं या तो अपने अंदर ही बड़बड़ा लेता हूं कि मैं इसको ये कर दूं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा फरहान साहब, आप बताइए कि आप तो होते हैं चटखारे में, और वहाँ पे बड़े मज़े मज़े खाने मिलते हैं, इतना मुझे पता है। लेकिन जब आपको पता है लोग खाने पे कितना ट्रबल करते हैं, यानी आपका मेन्यू है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी डालेंगे, लेकिन वो फिर भी कहेंगे नहीं आपने इसमें ये चीज़ क्यों डाली, इसका नमक सही नहीं है, इसका ये सही नहीं है, इसका वो सही नहीं है। हाउ डू यू डील विद इट? क्योंकि आप तो खाना नहीं पका रहे होते, शेफ़ पका रहा होता है, शेफ़ पकाता है, कस्टमर खाता है, बीच में आप होते हैं, तो आप कैसे डील करते हैं गुस्से को? मोस्टली कस्टमर्स जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है ना वो नुक्स ज़रूर निकालते हैं खाने के अंदर, कि इसमें सपोज़ नमक ज़्यादा है, क्योंकि चटखारे स्पाइसी, हमारा खाना जो है स्पाइसी ज़्यादा होता है। तो कभी कुछ जैसे कोई कस्टमर्स होते हैं कि स्पाइसी खाने नहीं खाते, तो कहते हैं कि इसको कम करो आगे लाइए, लेकिन उनका जो लहजा होता है कहने का वो ऐसा होता है कि जैसे कि समझ लें कि मतलब आगे वाला जो है वो उसको कुछ समझ अहमियत नहीं देते कि वो कौन है। अब फ्लोर मैनेजिंग भी मैंने की है, एज अ फ्लोर सुपरवाइज़र भी मैं काम करता हूँ चटखारे में, तो वो ऐसा नहीं समझते कि बस समझते कि एक आम सा है, इसको जोक सुनाना है, इसको सुना दीजिए। अच्छा, आप दो काम कर रहे हैं, आप ट्रेवल एजेंट भी हैं और आप चटखारे में भी काम कर रहे हैं, तो एक तो जब बंदा टिकट लेने आता है आपके पास, उसका लहजा कुछ और होता है, कि टिकट लेनी है, उसे अपना हॉलीडे प्लान करना है, और एक जब कस्टमर अपने टेबल में बैठ के खाना ऑर्डर कर रहा होता है तो उसका अलग एक्सप्रेशन होता है। तो आपका इन दोनों में से किस जॉब पर आप बॉन्ड है अपने कस्टमर को स्माइल देने के लिए, और किस जॉब पर ईजी है एंगर आपको अपना कंट्रोल करना? देखें, जो रेस्टोरेंट फील्ड है उसमें आपके अपने गुस्से को काफ़ी काबू करना पड़ता है। बाज़ औक़ात कस्टमर्स ऐसी बातें कर देते हैं कि आप काबू नहीं कर पाते, और बेसिकली मैं जो हूँ बचपन से ही बहुत ही गुस्से वाला हूँ, ये बात मेरे घर वाले ही मुझे समझाते हैं, और मेरे बॉस इतने अच्छे हैं दोनों, एक जो स्टैंडर्ड ट्रैवल के हैं वो इमरान यूसुफ़ हैं, उनका नाम लेना चाहूँगा, बिल्कुल उन्होंने मुझे ग्रूम किया है काफ़ी, क्योंकि मेरी जो पहली जो जॉब्स थी वो मेरी एक जॉब अपनी गलती गुस्से की वजह से निकली थी, और वो मतलब उससे मैंने सबक हासिल किया कि गुस्से की वजह से जो है। अब आप लोग सुन रहे हैं नाज़िम, मैं इतनी क्यों डर के बैठी हुई हूँ कि ऐसा ना एक पंच मेरे मुंह पे और मैं ठक करके नहीं दूंगा, गुस्सा वो आता है, तो मैं थोड़ा साइड पे होकर बैठी हूँ, आपसे कोई ऐसे सवाल नहीं पूछे, आपको जो दिल चाहता है आप बोले। हाँ, और बाकी जो रहा ये कस्टमर सर्विस के हवाले से, तो इस पर तो आपको बहुत काबू करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने अपने सारे पेशेंस कस्टमर के सामने अगर निकाल दिए तो फिर वो कस्टमर जो है रिटर्न आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो लेगा बैड सर्विसेज। अच्छा, बैड सर्विसेज, लेकिन बैड कस्टमर को किस तरह डिफाइन करेंगे? बस स्माइल करके ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? नहीं, डिफाइन करें, मैं कहूँगी एक बैड कस्टमर आपके पास है जिसकी वजह से आपका पूरा जो निज़ाम है अंदर कंट्रोल करने वाला वो ख़राब कर दिया, तो आप क्या किसको किस तरह डिफाइन करेंगे? बदतमीज़ी तो नहीं, लेकिन उनको उनका मूड खुश करने के लिए, अगर वो तो फूड के हवाले से कोई कंप्लेंस है तो उनको कम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ देना पड़ता है जिससे उनका मूड जो है वो अच्छा हो जाए। चले हमारे साथ एक कॉलर है, असगर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? मोहित साहब, आपको भी बहुत सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, और आपसे दुआ का पेशकार हूँ। आप भी बिल्कुल दुआ में याद रखिएगा हमें। कैसे हैं सर आप? मैं अल्लाह का एहसान है बेटा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सबकी दुआएं, और आज आपने दुआ में याद रखना है। जी 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 बेटा, बिल्कुल। और जल्दी से मैं सवाल कर लूँ ना? जी 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 प्लीज। गुस्से पर काबू, आपने ये उन्वान रखा है आज का जी। तो डॉक्टर मोहित साहब,
माशाल्लाह एक किस्म के मजहबी स्कॉलर की कैटेगरी से भी उरूज पर आ गए उरूज की वजह से, ठीक है। नहीं ये आपको मानना पड़ेगा, कभी आप अकेले में आपकी सीडी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके जवाबात किस कदर मुस्बत होते हैं, ताकि रूह को बाकायदा करार मिलता है और जवाब चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह दुनियावी जबान के तरीके से आप हमें समझाते हैं, हमें समझ आ जाती है। बहुत शुक्रिया। तो मेरा सवाल ये है, क्या शक और वहम की बुनियाद गुस्से की वजूहात में शामिल है? ओके ठीक है, चलिए सर इसको जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ एक और कॉलर है एम अकरम साहब गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरूज साहबा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहित साहब। अस्सलाम वालेकुम मेहमानाने ग्रामीय कदर। जी सर कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र। आपकी दुआएं, और आज आपने स्पेशल मुझे याद रखने अपनी दुआओं में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। सबसे पहले तो मैं मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहित साहब का बेहद मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि कल एक लफ्ज मतलब की बजाय मकसद की अहमियत को उजागर किया। यकीन हमारा इस प्रोग्राम में शामिल होने का और इस प्रोग्राम को देखने का और इस प्रोग्राम को समझने का मकसद यही है कि उस्ताद मोहतरम साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए अपनी गलतियों की दुरुस्तगी करें, अपनी सीमत की सही तयन करें और अपनी इसलाह करें, क्योंकि मकसद से ही मुकद्दर बनता है। सही बात। और अगर हम अपने मुकद्दर को गुस्से से ख़राब कर लें तो ये हमारा अपना नसीब है। गुस्से पर काबू पाना यकीन बहुत बड़ी बहादुरी है। सही बात। खसूसन आजकल हालात की सतम ज़रीफ़ी की वजह से हर इंसान नाक पर गुस्सा सवार लिए फिरता है और ज़रा सी लग्जिश से आपे से बाहर हो जाता है। आज की बाबरकत शब कदर में इस बात का अहद कर लें कि हमेशा खुश दिली और खुश इखलाकी का मुजाहरा किया जाएगा, सामने वाले को देखकर मुस्कुराहट का इजहार किया जाएगा, सलाम में पहल की कोशिश की जाएगी और किसी भी गलती पर माजरत ख्वाहाना अंदाज अपनाया जाएगा, तो गुस्से पर बड़ी हद तक हम काबू पा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें गुस्से पर काबू पाने की तौफीक दे और अल्लाह आपको खुश रखे और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच अकरम साहब आपकी कॉल का। इतने प्यार से आप एक तो बात समझाते हैं और इतने गौर से प्रोग्राम देखते हैं, मजा आ जाता है। हम जा रहे हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज़ लाउंज, क्योंकि लेटिंग गो पे बात करनी है, मुझे पता है मैं आके करूंगी। सो जस्ट कीप वॉचिंग।